अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आखिर घरों को गिरानी की तहजीब, जिसे अब बुलडोजर तहजीब कहा जा रहा है, अपनी अलग पहचान बनाती दिखाई दे रही है। तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो अब हो रहा है। अब फातिमा आफरीन का मकाम गिराने को लेकर चर्चा तो जारी है। आपको ताज्जुब भी होगा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि आफरीन फातिमा के वालिद जावेद मोहम्मद की तस्वीर बहुत कुछ बयान करती है। पुलिस अफसरान के साथ ना सिर्फ जान पहचान थी, बल्कि आला अफसरान का घर भी आना जाना था। 21 मई की तस्वीर देखी है, जिसमें आला अफसरान के साथ खुश मिजाजी के साथ मिल रहे हैं। इन्होंने अफसरान को किताबें भी तोहफे में दी थी, पर यही अफसरान ने 12 जून को खुद खड़े होकर जावेद मोहम्मद का घर गिराया। क्या एहतजाज या फिर किसी तशद्दुद को जिम्मेदार ठहरा कर अंग्रेजों ने भी कभी भारत की जंग आजादी में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानी यानी मुजाहिद आजादी के घरों पर बुलडोजर चलवाए थे? पलट कर तारीख की और आंख में ऐसी कभी भी एक भी वारदात आपको नजर नहीं आएगी। यहां तक के गांधी को कत्ल करने वाले गोडसे के घर पर भी कभी बुलडोजर नहीं चलाया गया, और ना ही अंग्रेजों ने कभी नेहरू, गांधी या फिर भगत सिंह के घरों पर इस तरह की कार्रवाई की हो। वैसे तो अंग्रेजों की नजर में ये तमाम स्वतंत्रता सेनानी दहशतगर्द ही तो थे, इसके बावजूद कभी कार्रवाई नहीं की गई। अगर हाल ही में बड़े बड़े एहतजाज हुए, जिसमें खासकर अगर जिक्र किया जाए गुजरों की जानिब से एहतजाज किया गया, आंदोलन हुए, करोड़ों की सरकारी प्रॉपर्टियों को नुकसान उन्होंने पहुंचाया था, राजपूतों ने भी बड़े पैमाने पर एहतजाज किया, और अभी हाल ही में किसानों ने भी एहतजाज किया था। किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया गया, लेकिन अब मुसलमानों ने एहतजाज किया तो बुलडोजर तहजीब को अमल में लाया जा रहा है। पर क्या मुल्क के लिए बेहतर साबित हो सकता है क्या महज मुसलमानों के घरों पर पत्थर फेंकने का या एनआरसी सीएए में अहम रोल अदा करने का जरिया बनाकर बुलडोजर चलाया जाएगा? साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट गोविंद माथुर ने सख्त अल्फाजों में इसकी मजम्मत करते हुए कहा कि यह हरकत बिल्कुल पूरी तरह से मजम्मत के काबिल है। किसी के घर पर इस तरह बुलडोजर घुमाना गैर संवैधानिक कहते हुए इसकी मजम्मत फरमाई। महज एहतजाज में हिस्सा लेना या फिर किसी तहरीक का हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना, फिर हुकूमत की जानिब से घरों को गैर कानूनी कहकर बुलडोजर घुमाना ना सिर्फ आईने हिंद बल्कि इस मुल्क के अदल इंसाफ को भी कालिक पहुंचने वाला अमल कहा जा रहा है। आफरीन फातिमा ने अपने घर पर बुलडोजर घुमाने की वारदात पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि अगर हमारा घर गैर कानूनी है तो फिर पिछले 20 सालों से टैक्स क्यों अदा किया जा रहा है? मतलब मकसूद समाज को निशाना बनाने की प्रक्रिया का ये एक हिस्सा है। लेकिन जिस तरह सैकड़ों नौजवानों को जेलों में डालकर फिर उन गरीब मुस्लिम नौजवानों के घरों पर बुलडोजर घुमाना, जबकि इनका संवैधानिक हक है, यानी क्या एहतजाज संवैधानिक हक है, सिर्फ कानून इसलिए बदल दिए जाते हैं क्योंकि वो मुसलमान है। आला अफसरान की भी मजबूरियां यहाँ देखने के काबिल होती है। खामोशी में यह भी कहते हुए देखा जाता है कि हमें मालूम है कि तुम बेगुनाह हो, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आया है, हमें अपनी नौकरियां भी तो बचानी है। लिहाजा ऐसा लग रहा है कि संविधान की कसम खाने की बजाय क्यों ना संघ के दफ्तर में ही इनका हलफनामा लिया जाए। जब कोई आला अफसरान योगी और संघी हुकूमतों के मातहत ही सही गलत की पहचान के बगैर फैसले लिए जाने लगे, तो फिर उन जुमलों के कुछ मायने ही नहीं रहते जिसमें कहा जाता है कि मैं संविधान की कसम खाता हूं कि किसी धर्म जात पात का लिहाज ना रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। दूसरी तरफ कुछ तब्दीलियां भी रोनुमा होती दिखाई दे रही है। कल राजस्थान में अमन और नाइंसाफी के खिलाफ आलीशान इजलास रखा गया था, जिसमें तकरीबन 20 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इसमें शिरकत फरमाई। इसी तरह कोलकाता में भी बड़े पैमाने पर बुलडोजर तहजीब के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। एक और तब्दीली तवज्जो के काबिल है कि रांची झारखंड में पुलिस की जानिब से एहतजाजियों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें मुदस्सिर नाम का महज 16 साल का लड़का शहीद हुआ। इसकी मां ने जो जुमले जो अल्फाज कहे वाकई गौर करने के काबिल है। उसने कहा कि मेरा बेटा नबी की मोहब्बत में शहीद हुआ है, जिसका मुझे फख्र है। अब इसे क्या कहा जाए? क्या भारत को फलस्तीन बनाने की साजिश इन फिरका परस्त हुकूमतों की है? अगर वाकई एक तबका जुल्म के खिलाफ मरने पर ही आमादा हो जाए तो मुल्क का अमन खतरे में नहीं आएगा? इस तरह के सवाल भी जहनों में आना लाजिम है। आखिर इससे क्या हासिल करना चाहती है मरकज की भाजपा हुकूमत? इससे पहले भारत का अकलियती तबका मुल्क अदलिया इंतजामिया तमाम अपने खिलाफ है, ऐसा समझने से पहले इनके दिलों में भरोसा पैदा करो, क्योंकि अभी भी संविधान जिंदा है। आज भी योगी हुकूमत के जालिमाना रवैये पर खुलकर बहुत लोग बोल रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी और नाकाम पॉलिसियों के चलते धर्म की सियासत खेलने का घिनौना खेल को समझा भी जा रहा है। लेकिन ये भी बात उतनी सच है कि यूं ही ये फिरका परस्त हुकूमत छोड़ने वाले नहीं है। भारत पर आजादी के बाद तवील अरसे तक हुकूमत करने वाली कांग्रेस का क्या हाल हुआ है सभी देख रहे हैं। यहां तक कि ईडी ने राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा।
खुद राहुल गांधी को तकरीबन आध घंटे से ज्यादा पूछताछ के लिए बिठाया गया। इससे आखिर क्या कहा जाए, भारत की बदलती तस्वीर खतरनाक सिमत में जाती नजर आ रही है, और खासकर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तहजीब ने तो और भी बादलों को घना कर दिया है। एहतजाज जो इससे पहले भी हुए, लेकिन मुसलमानों के घरों पर ही बुलडोजर क्यों का सवाल अब दुनिया भर में पूछा जा रहा है, जिसका जवाब मोदी योगी अमित शाह देना नहीं चाहते इतना जरूर है। आज टीपू सुल्तान नगर हुंचा नट्टी में मामूली वजह को जरिया बनाकर कुछ गुंडों की जानिब से एक घर पर हथियारों के साथ हमला किया गया, जिसमें नियाज महबूब राउत, तरन्नुम नियाज राउत, नवाज महबूब राउत, महजबीन नवाज राउत शदीद जख्मी हुए, बेलगाम जिला अस्पताल में जेर इलाज रखा गया है। हासिल तरह के मुताबिक नियाज और नवाज दोनों भाई हैं और इनके पड़ोस में ईश्वर अप्पा स्वामी रहते हैं। पिछले कई सालों से पड़ोसियों में किसी न किसी मामले को लेकर तनाव होता रहता है। बजाहिर तो ये मामला आपसे रंजिश का नजर आ रहा है, लेकिन नियाज और नवाज राउत ईश्वर अप्पा स्वामी और शरणु स्वामी की शरारतों को नजरअंदाज करते रहे। इससे पहले भी इसी तरह के अपने दोस्तों के साथ हमला करने की कोशिश शरणु स्वामी ने की थी, ऐसा नियाज और नवाज राउत ने बताया। लेकिन आज दोपहर की वारदात से जान को खतरे की बात इन्होंने बताया और पुलिस तक मामले को पहुंचाया। जख्मी अपराधों का बयान पुलिस की जानिब से लिया गया है। जिला अस्पताल में तमाम जख्मियों की एमएलसी भी की गई है। अचानक हुए हमले से काफी डर खौफ में राउत के तमाम घर वाले देखे गए, छोटे बच्चे भी डरे सहमे हुए नजर आ रहे थे। शरणु स्वामी ने अपने दोस्तों के गिरोह के साथ आखिर बड़ी तादाद में लोगों को जमा कर हमला क्यों किया, और क्या टीपू सुल्तान नगर हुंचा नट्टी में पुलिस इंतजामिया का डर कुछ लोगों में है या नहीं, ऐसा सवाल भी आवाम की जानिब से किया जा रहा है। पुलिस ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया, ऐसा राउत के घर वालों ने इत्तेहाद न्यूज को बताया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। क्या नाम है, दोपहर को आया गली में बाजू में से रहते हैं, हमारे घर के बाजू में से रहते हैं। दोपहर को जब मैं आया तो उनको लगा कि हाँ मैं कुछ भी बोला, बोल को ऐसा लगा घर में सीधा आपको मुझे मारने लगे। मैं खाना खाने बैठा था, कितने जन थे? कम से कम 25-30 जन थे। हाँ, इससे पहले भी हुआ है, इससे पहले भी सेम मेरे भाई के साथ हुआ है, और वो फैमिली के रेस्ट हुए। वो फैमिली का क्या प्रॉब्लम है मालूम नहीं, कंप्लेंट नहीं कर रहे थे, घर के बाजू में रहते बोल को छोड़ दिए थे। कॉम्प्रोमाइज हुआ था फर्स्ट टाइम को, अभी सेकेंड टाइम को फिर ऐसा हुआ, बोला तो औरतों को नहीं छोड़ा, बच्चा को नहीं छोड़ा। मेरे को बाद में आया ऐसा हुआ है बोल के दिल्ली में आके देखता हूँ, तो मेरे को देख के भी ये ना बोला हमारे सर करने सर लिंगायत फैमिली चाहे हमारे सर, हमें दुश्मनी तो अभी तक पाले नहीं होंगे सर। हमला करे सुनाए, पूरी गाड़ी फोड़े सुनाए, घर के बच्चों को, घर की औरतों को मारे सुनाए, और हमारा हालत तो तुम्हें देख रहे थे। शरणु और ईश्वर कुछ खाना रहता है हमारा, काम कभी कभी रात को 12 बजे भी आते हैं हमारे आदमी, काम से कुछ भी किए तो उनके ऊपर तो बोला बोल के सर। जैसा कि मैं घर उनके घर के पास से घूम के आना, हम आने के टाइम वो मेरे को ये गाड़ी धान पे डालता था बोल के मेरे से झगड़ा करके मिला के दूसरी बार मारा, फिर हम आजू बाजू रहते हैं, बोलते अभी तक कुछ भी ऐसे नहीं है। तो आज इतना बड़ा करे हूँ किधर के बाजू के नीचे की गली पे 4-5 तो सब गाड़ी का घर का सब नुकसान कर कैसा है, ये उठा है सब देख सकते, इतना हमारे इंसान है कि क्या है।